बढ़ते दम तक नहीं होगा कमर दर्द, घुटनों में दर्द, कभी नहीं होगी पथरी, मोटापा होगा सदा के लिए दूर। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको तीन बहुत ही पावरफुल चीजों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप मेरे बताए गए तरीके यानी कि आयुर्वेद के बताए गए तरीके से खाओगे तो इतने बेहतरीन फायदे होंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खासकर जिनके भी शरीर में कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर हो रही है, चलने फिरने में हड्डियों से आवाज आती है, जोड़ों में, घुटनों में, पीठ में व कमर में बहुत दर्द रहता है। इसके अलावा जिन लोगों के बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर जिनकी आंखें कमजोर है, समय से पहले जिनके चेहरे पर बुढ़ापे का असर दिखने लगा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन सी चीजें हैं वो। ये तीन चीजें हैं जिनका आपको किस तरीके से सेवन करना है, शरीर के नेचर के हिसाब से यानी कि वात पित्त के हिसाब से किस तरीके से खाना है जिससे आपको पूरी तरह से फायदे मिले, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर सुबह जिस चीज का सेवन करना है वो है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। दोस्तों, अलसी के अंदर भारी मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं, साथ ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है जो कि आपकी आंखों के लिए, बालों के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ ही अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो आपकी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको या आपके घर में किसी को भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, खराब कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है यानी कि जिनको नसों में ब्लॉकेज की समस्या आ गई है, उम्र से पहले अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है, खासकर पुरुषों के शरीर में वीर्य की कमी आ रही है, तो ऐसे में अलसी बहुत फायदेमंद होती है। अलसी का रेगुलर सेवन करने वाले व्यक्तियों के शरीर में जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। आइए जानते हैं इसका सेवन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, अलसी आपको अपनी बॉडी के नेचर के हिसाब से सेवन करनी है, नहीं तो ये फायदा नहीं करेगी, नुकसान कर देगी। आपने अलसी के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, अगर आप इस तरीके से सेवन करेंगे तो ये शरीर को फायदा ही फायदा करेगी, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी का नेचर गर्म है, बॉडी में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, पित्त नेचर वाली बॉडी है, गर्म चीजें खाने से प्रॉब्लम होती है, तो आपको अलसी कभी भी ऐसे ही नहीं खानी है। आप इसे दो तरह से खा सकते हैं। पहले ऐसी चीज के साथ खाएं जिससे पित्त कंट्रोल होता हो, पित्त शांत हो, या फिर अलसी की जो गर्म तासीर है वो नॉर्मल हो सके। देखिए, सौंफ, मुलट्ठी, नारियल, खीरा, अंकुरित मूंग, छाछ या फिर घी, इसके साथ आप अलसी का सेवन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छाछ के इस्तेमाल कर रही हूँ। आप एक गिलास छाछ ले लीजिए, यानी जिसे पंजाबी में लस्सी कहा जाता है। सबसे पहले अलसी को तवे पर भून लीजिए, इसे कूट कर पाउडर बना लीजिए। ध्यान रखिएगा, उतना ही पाउडर बनाइए जितना आप 2 से 3 दिन में कंज्यूम कर सके। अलसी के अंदर ऑयल कंटेंट होता है जो हवा के संपर्क में आने से इसमें स्मेल आने लगती है, जिस वजह से आप इसे खा नहीं पाएंगे। इस तरह से आप एक गिलास छाछ में 1 चम्मच अलसी के पाउडर को मिला दीजिए। आप इसे नमकीन या मीठा बनाकर भी पी सकते हैं। मैं इसमें काला नमक स्वाद के अनुसार से ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। इसे आप नाश्ता करने के साथ या फिर दोपहर को जब आप खाना खाते हो तब आप भोजन के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इस तरह से बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। इस तरह से दोस्तों वे लोग भी ले सकते हैं जिनके वात की समस्या है। जी हाँ, जिनके जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, वात बड़ा हुआ है, वात को संतुलित करना चाहते हो, तो वो लोग भी छाछ के साथ अलसी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा पित्त प्रकृति वाले लोग अलसी का सेवन रात को भिगोकर भी कर सकते हैं। रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह अलसी को चबा चबा कर खा लीजिए, बचे हुए पानी को भी पी लीजिए। जिनको कफ की समस्या है, हमेशा खांसी जुखाम होता रहता है, छाती में बलगम जमा हो गया है, तो वो लोग भी अलसी का सेवन कर सकते हैं। अलसी का सेवन उन्हें शहद के साथ करना है। 1 चम्मच अलसी का पाउडर, 1 चम्मच शहद लेना है, इसे खा लेना है। इसे खाने के बाद आपको पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है। आधे घंटे के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से अगर आप लेते हैं तो छाती में जमा हुआ बलगम, सर्दी, खांसी, जुखाम की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
जी हाँ, ये बहुत ही पुराना घरेलू नुस्खा है, इसका इस्तेमाल आप जरूर करके देखिएगा। इसके अलावा जिन्हें वात से संबंधित कोई भी रोग है, हाथों पैरों में दर्द रहता है, वह लोग जिसके बारे में मैंने बताया कि वो छाछ के साथ ले सकते हैं, नहीं तो अलसी को भून लीजिए और 2 चम्मच अलसी को ऐसे ही खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। इस तरह से वात वाले लोग इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन लगातार किया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में अलसी का सेवन ध्यान रखकर करना चाहिए। वैसे इस ठंड के मौसम में बेफिक्र होकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, शरीर में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को दूर करने, साथ ही दोस्तों ये शरीर में बढ़े हुए एक्स्ट्रा फैट को मेल्ट करता है। जी हाँ, फैट को रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा आंखों की रोशनी को तेज करने में, बालों को हेल्दी रखने में, बालों को लंबा करने और काला करने में, हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में, खून की कमी को दूर करने में, चेहरे पर चमक लाने में ये बहुत हेल्प करता है। आपने इसका सेवन लगातार 1 से 1.5 महीने तक लगातार करना है, तो इसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। खासकर दोस्तों, यह महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी फायदेमंद है। जिन महिलाओं के पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं, हार्मोन इंबैलेंस वाली प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे डायबिटीज वगैरह हो गया है, तो उनमें भी आप अलसी का सेवन कीजिए, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है। चलिए अब जानते हैं दूसरे नंबर पर आपको कौन सी चीज का सेवन करना है। वो है सफेद तिल। जिनको हड्डियों की कमजोरी रहती है, जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, उन्हें इसका सेवन करना है। अब मात्रा कितनी होनी चाहिए, किन लोगों को कैसे खाना है, शरीर के नेचर के हिसाब से कैसे खाना है, वे सब मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले तो इसके फायदे देख लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों भारी मात्रा में कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम का गुड सोर्स है। 1 चम्मच तिल के अंदर 100 mg से ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी है, उनके लिए तिल से अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती, तो उन्हें रोजाना तिल अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तिल का सेवन दोस्तों उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ हो, जिनके शरीर में कमजोरी रहती हो, या फिर जिनको अर्थराइटिस, पीठ में, कमर में दर्द रहता है, गठिया की समस्या हो गई है, हाथ पैरों में दर्द होता है, यानी शरीर में होने वाले किसी भी तरह के दर्द हो, इस तरह के दर्द को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। इसका सेवन बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े जवान सभी लोग कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसे अपने शरीर के नेचर के हिसाब से, यानी प्रकृति के हिसाब से खाएं। चलिए आपको कैसे खाना है मैं आपको बता देती हूँ। शरीर में अगर गर्मी ज्यादा रहती है, पित्त नेचर वाली बॉडी है, तो आप तवे पर इसे भून लीजिए। भुने हुए तिल को पीस कर आपको छाछ के साथ लेना है। जैसे मैंने आपको अलसी खाने को कहा, उसी तरह से आप तिल का सेवन कर सकते हैं। रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में आप तिल का सेवन कर सकते हैं। अगर ठंड के मौसम में कर रहे हैं, तो आप 2 से 3 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। जिनके जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, वात नेचर वाली बॉडी है, तो वो लोग भी इस तरह से छाछ के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें कफ की प्रॉब्लम रहती है, सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनको इसका सेवन गुड़ के साथ करना चाहिए। वात से संबंधित लोग भी, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, वो भी इसका सेवन गुड़ के साथ कर सकते हैं। आप 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में तिल के बीज लीजिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, इन दोनों चीजों को मिलाकर आप चबा चबा कर खा लीजिए। दोस्तों, इसे सुबह के समय खाना ज्यादा फायदेमंद होगा। अब जानते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर कौन सी चीज है जिसका आपको सुबह सेवन करना है। यह आप देख रहे हैं कि ये चीज है दोस्तों कलौंजी। इसके बारे में आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, हर मर्ज की दवा है कलौंजी। यह इतनी फायदेमंद होती है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, कलौंजी के फायदों के बारे में जानने से पहले सेवन करने की क्वांटिटी और तरीके के बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि दोस्तों कलौंजी की तासीर बहुत गर्म होती है और इसकी मात्रा का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। आपको 1 दिन में 1/4 चम्मच के बराबर कलौंजी का सेवन करना है, इससे ज्यादा आपको सेवन नहीं करना। खासकर सर्दियों के मौसम में ये बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों, आपको मैं इसके 2 तरीके बताने वाली हूँ। आप रात भर के लिए 1 कप पानी में भिगोकर कलौंजी को रख दीजिए और सुबह उठकर पानी सहित कलौंजी को गर्म करके ले लीजिए, यानी कि चाय की तरह ले लीजिए। इसका सेवन आपको सुबह सुबह खाली पेट करना है, या फिर आप नाश्ता करने के आधा घंटा पहले भी पी सकते हैं। कलौंजी के दानों को भी आपको खा लेना है, फेंकना नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, जैसे कि आपने कलौंजी की चाय बनाकर पी ली, कलौंजी के पानी को उबाला तो उसकी चाय बन गई और उसके दाने भी आपने खा लेने हैं। दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ, ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको बाजार से कलौंजी का तेल लाना है।
दोस्तों कलौंजी का तेल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। कलौंजी के दानों से भी ज्यादा फायदेमंद है कलौंजी का तेल। तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित है या फिर जिनको भी शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, गठिया की समस्या हो गई है, तो उनके लिए रामबाण औषधि की तरह ये काम करता है। दोस्तों एक चम्मच कलौंजी का तेल आप एक गिलास गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आप कलौंजी के तेल को एक गिलास गुनगुने दूध के अंदर मिक्स करके भी ले सकते हैं। रोजाना सुबह एक चम्मच कलौंजी का तेल किसी भी तरीके से लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप इसका इस्तेमाल करके ये महसूस करेंगे कि आप में बहुत चेंज आ चुका है। दोस्तों ये हर मर्ज की, हर बीमारी की दवा है। इसमें मोटे मोटे फायदों की बात करें तो ये उम्र को लंबा करती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, आपका बीपी हाई रहता है या फिर लो रहता है तो दोनों ही कंडीशन में आप इसका सेवन कर सकते हैं। नसों में ब्लॉकेज की समस्या रहती तो उसे दूर करने में ये मदद करेगा। शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि नंबनेस की समस्या, हाथ पैर सुन्न की समस्या, वेरिकोज वेन की समस्या, हाथों में कंपन की समस्या, तो इस तरह की समस्याओं को ये दूर करता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, ऐंठन की समस्या, इस तरह की समस्याओं को भी ये बहुत फायदेमंद है। कलौंजी वात, पित्त और कफ तीनों को ही संतुलित करती है, तो बेफिक्र होकर तीनों प्रकृति वाले लोग इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शरीर में कमजोरी है, किसी भी तरह की कमजोरी है, तो उसमें भी आप कलौंजी के तेल का इस्तेमाल कीजिए। जो पुरुष वीर्य नाश कर चुके हैं, शारीरिक कमजोरी आ चुकी है, तो उन लोगों के लिए एक से डेढ़ चम्मच कलौंजी के तेल को सुबह सुबह एक गिलास अनार के जूस के साथ पीना है। लगातार 21 दिन तक पीते रहिए, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों कलौंजी के और भी बेहतरीन फायदे हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको तीन चीजों के बारे में बताया, जिसे अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे फायदे मिलेंगे। शरीर की लगभग 90% तक बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।